इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस, इंटरोगेटिव यानी कि वो सेंटेंस जिसमें इंटरोगेटिव हो, इंटरोगेटिव मीन्स टू से क्वेश्चन मार्क हो, अब वो पास्ट परफेक्ट भी हो, ठीक है, वो पास्ट परफेक्ट भी हो यानी चुका था, चुके थे, चुकी थी भी आए, या था, ई थी, ए थे भी आए, वो जो सारे सेंटेंसेस हो गए वो इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस होंगे। सबसे पहले हम इसका रूल देखेंगे, रूल ऑफ नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस। हम देखिए, हम सबसे पहले रूल करते हैं, रूल इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले सेंटेंस में क्या है, तो क्या ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, और ऊपर से चुका था, चुके थे, चुकी थी आएगा, या फिर या था, ई थी और ए थे आएगा। अब देखिए कि पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस या टेंस के जो रूल होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन ये है इंटरोगेटिव, हर एक में मैं आपको कहती हूँ इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट और ये जो हैड है, अब इसमें भी सेम वही चीज है, सब्जेक्ट और हैड अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे, ठीक है ना, सब्जेक्ट और हैड अपनी जगह को रिप्लेस कर लेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो हैड है, सब्जेक्ट ने हैड को फोर्स किया या हैड ने सब्जेक्ट को फोर्स किया, दोनों ने अपनी जगह को रिप्लेस कर लिया, ठीक है, तो हैड सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट हैड के बाद, तो क्या हुआ, हैड प्लस सब्जेक्ट, बाकी सब कुछ सेम, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ा, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो वहीं के वहीं है। और नेक्स्ट वन क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड, हम सबसे पहले जगह लेंगे, ठीक है ना, डब्ल्यूएच फैमिली के वर्ड आते हैं तो सबसे पहले आ जाते हैं, डब्ल्यूएच फैमिली, व्हाट, व्हाई, हु, हाउ, ठीक है, तो डब्ल्यूएच फैमिली का वर्ड जो भी है वो सबसे पहले आएगा, देन हैड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। और एज यू नो, पिछले टॉपिक में भी हमने किया था, नेगेटिव पास्ट में भी किया था, कि सबके साथ हैड ही लगेगा, सिंगुलर, प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबके साथ, सारे सब्जेक्ट साथ हैड ही लगेगा, कोई माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारे कुछ रिलेटेड सेंटेंसेस जो हम आज करेंगे। फर्स्ट है, क्या तुम घर नहीं पहुंची थी, क्या, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, ठीक है ना, और क्वेश्चन मार्क है तो इंटरोगेटिव, पहुंची थी या पहुंच चुके थे, चुके थे, ठीक है, हैड यू नॉट, हैड यू रीच्ड, नॉट नहीं है इसमें, तुम, क्या तुम घर पहुंच चुके थे, हैड सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू वर्ब की थर्ड फॉर्म, पहुंचना, रीच, रीच्ड, रीच्ड, हैड यू रीच्ड एट होम, क्या तुम घर पहुंच चुके थे। नेक्स्ट वन इज, क्या वह मेरी कार से आगे निकल गया था या था, क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है, ठीक, ठीक है ना, तो कोई लड़का है जो मेरी कार से आगे निकल गया, तो हैड ही गॉटन, कैट गॉट, गॉटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड ही गॉटन अहेड, आगे, हैड ही गॉटन अहेड ऑफ माय कार, मेरी कार से आगे निकल गया था, ठीक है, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट ही, वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉटन अहेड, आगे निकलना, ऑफ माय कार, मेरी कार से। नेक्स्ट वन इज, क्या वह सज धज कर पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी, कोई लड़की है जो पार्टी के लिए तैयार हो गई थी सज धज कर, ठीक है, तो हैड शी गॉटन, गेट गॉट गॉटन, ये भी तैयार होना, गेट, हैड शी गॉटन। अब देखिए सज धज कर तैयार होने को हम क्या बोलते हैं, डॉलर्ड अप, ऑल डॉलर्ड अप, ठीक है, ऑल डॉलर्ड अप, हैड शी गॉटन ऑल डॉलर्ड अप फॉर पार्टी, ठीक है ना, क्या वह सज धज कर पार्टी के लिए तैयार हो चुकी थी, हैड शी गॉटन ऑल डॉलर्ड अप फॉर पार्टी। नेक्स्ट वन इज, क्या हम उस समय सो चुके थे, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म, हैड, क्या, सबसे पहले हैड, फिर सब्जेक्ट,
had we slept that time, उस समय क्या हम उस समय सो चुके थे? Had we slept that time, क्या हम उस समय सो चुके थे? हम बोल देते हैं ना कहीं पर, क्या हम सो चुके थे उस टाइम? इस तरह से had we slept that time. Next one is रोहन ने मेरे बिना कठपुतली का खेल कैसे देखा था या फिर कैसे देख लिया था, ऐसे भी हो सकता है, कैसे देखा था, आ था भी पास्ट परफेक्ट में ही है, या था, ई थी, ए थे, आ था, ठीक है, ये सब कुछ पास्ट परफेक्ट में होगा. अब देखिए कैसे आ रहा है, यानी डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ रहा है, तो हाउ सबसे पहले आएगा, फिर आएगा हैड, फिर आएगा सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? रोहन. हाउ हैड रोहन, देखना, सी सा सीन, सीन. हाउ हैड रोहन सीन, क्या देखा? कठपुतली का खेल, वो क्या होगा? पपेट शो. हैड, हाउ हैड रोहन सीन पपेट शो, मेरे बिना, विदाउट मी, कैसे उसने मेरे बिना कठपुतली का खेल देख लिया, कैसे रोहन ने मेरे बिना कठपुतली का खेल कैसे देख लिया. हाउ हैड रोहन सीन पपेट शो विदाउट मी, ठीक है. नेक्स्ट वन इज तुम क्यों आए थे, ये तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, तुम क्यों आए थे, ठीक है. वाई, डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आ रहा है ना, वाई. वाई देन हैड, देन यू का सब्जेक्ट और हैड अपनी जगह रिप्लेस कर चुके हैं. वाई हैड यू कम, केम कम, थर्ड फॉर्म. वाई हैड यू कम, तुम क्यों आए थे, वाई हैड यू कम, ठीक है. नेक्स्ट वन इज क्या तुम देख चुकी थी, ठीक है. हैड यू सीन, सी सा सीन. हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या तुम देख चुकी थी, हैड यू सीन, ऐसे बोलते हैं ना नॉर्मली, क्या तुम देख चुकी थी, नॉर्मली एकदम शॉक्ड होके कई बार बोलते हैं, या फिर एक थोड़ा वे में आ जाता है अलग अलग टोन्स में. तो ये सब कुछ हमारे पास्ट परफेक्ट टेंसेस होंगे. तो हम आगे चलते हैं, जो हमारा आज का वर्ड है वो देखते हैं, और जो हमारा प्रोवर्ब है वो देखते हैं. हमारा आज का वर्ड है उधार. उधार क्या होता है? क्रेडिट. उधार क्रेडिट, उधार खाता. अगर हम किसी ग्रोसरी शॉप से, किराने की ग्रोसरी शॉप से अगर हम किसी से उधार खाता चलाते हैं तो उसे क्या बोलेंगे? क्रेडिट अकाउंट, ठीक है. और उधार को जमा कराना क्या बोलेंगे? एक महीने बाद एक महीना हो गया, उस उधार को जमा करवाना है तो क्रेडिट डिपॉजिट, ठीक है. उधार बेचना, उधार बेचना क्या होता है? जैसे लोन दे देते हैं, वो भी तो एक उधार ही होता है, बस वो बैंक से थोड़े बड़े लेवल से उधार हो जाता है, ठीक है ना. एक उधार खाता. उधार खाता नॉर्मली ग्रोसरी शॉप्स पे हम नॉर्मल ले लेते हैं कि चलो यार लिख ले फिर दे देंगे, तो ये उधार खाता, तो क्रेडिट अकाउंट हो जाता है. जब आप उसको जमा करवाते हो तो क्रेडिट डिपॉजिट हो जाता है. और जब उधार बेचना, मतलब कि लोन के बेस पे, जो बड़े बेस पे हो जाता है उधार बेचना, मतलब सेल ऑन क्रेडिट, ठीक है. सेल करना, लोन देना, होम लोन लेते हैं, वो भी तो एक उधार ही है. बस ये है कि दुकानदार का उधार हम थोड़े दिनों में चुका देते हैं और बैंक का उधार हम कुछ सालों में चुकाते हैं. नेक्स्ट वन इज जो हमारा प्रोवर्ब है, दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए. दोस्त वही जो मुसीबत में काम आए, ये तो आप सब जानते ही होंगे. ये तो नॉर्मल वर्ड है और ये नॉर्मली सब यूज करते हैं, नॉर्मली तो इंग्लिश में भी बोलते हैं. ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इनडीड, ठीक है ना. दोस्त वही होता है जो मुसीबत, जब उसकी जरूरत हो तब वो काम आए, वही दोस्त होता है. अब देखिए हमने आज इसमें इंटरोगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस किए हैं. इंटरोगेटिव में जब भी कोई डब्ल्यू एच फैमिली का वर्ड आता है, एक बार और उसका रूल देख लीजिए, वो सबसे पहले आ जाएगा. देन सब्जेक्ट हैड ने अपनी जगह रिप्लेस कर ली है, हैड सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा, सब्जेक्ट हैड की जगह पे आ जाएगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म. और जो सारे पास्ट परफेक्ट है ना, सारे पास्ट, चाहे वो प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है,
या जो हमारे सारे टेंसेस के परफेक्ट्स हैं, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट है, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट है, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है. ठीक है, अगर आप तो रूल्स को एक चार्ट पे लिख के देखोगे ना तो आपको इजिली क्लियर होंगे वो. आप हर एक चीज को अलग अलग लेने की बजाय एक पर्टिकुलर टेबल में देखो. तो मैं आपको फॉर्म ऑफ वर्ब में भी ये करवा चुकी हूँ. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.